लाइट्स, कैमरा रोलिंग, एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो आज हम रिव्यू करेंगे ऑल्ट बालाजी पे रिलीज हुई नई वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल की सीजन 3 की। दोस्तों, कहा जाता है कि हम एक इंसान को तब तक प्यार करते हैं जब तक हम उसे पा ना ले, और पाने के बाद जो होता है वो प्यार कम हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज को क्या प्यार कहते हैं या फिर इसको ऑब्सेशन कहा जाता है? बेसिकली यही जो मतलब यही जो थीम है, इस थीम के ऊपर बेसिकली ये पूरा वेब सीरीज जो है, ये वेब सीरीज को बनाया गया है। बेसिकली बोलना चाहेंगे कि बहुत सारा ऐसा रिलेशनशिप भी होती है जो मतलब शायद मैच्योर करती नहीं है, जो ब्रोकन होती है, लेकिन वो भी काफी ब्यूटीफुल होती है। तो बेसिकली ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इसी चीज के ऊपर आधारित है। तो इससे पहले भी हम लोग 2 सीजन जो है वो देख चुके हैं और ये 3रा सीजन है। इस सीजन को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है प्रियंका घोष। तो ये नया, ये पर्टिकुलर वेब सीरीज में नयापन क्या था, ये वेब सीरीज कैसा रहा, डेफिनेटली आप जानना चाहोगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो कहानी है, बेसिकली कहानी में दिखाया जाता है अगस्त, जो सिद्धार्थ शुक्ला जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो बेसिकली एक प्ले डायरेक्टर है और नॉर्मली जो एक स्ट्रगलिंग प्ले डायरेक्टर है। तो वो अपना प्लेस के लिए वो सुइटेबल प्लेटफॉर्म जो है वो ढूंढ रहे हैं, उसका मतलब लीड एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं, और उसके दिमाग में कोई एक कंसेप्शन है जिस कंसेप्शन को वो मतलब एक्चुअली में उसको आप बोल सकते हैं वो मेटेरियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद आपको ये जो शुरुआत की जो मतलब चीजें हैं इसको आपको थोड़ा बहुत दिल तो पागल है ऐसे आप इंस्पायर्ड आपको लग सकता है, लेकिन नहीं, इसका जो ट्रीटमेंट है ये काफी अलग तरीके से दिया गया है। तो वही प्ले डायरेक्टर जो है केम अक्रॉस टू अ पर्टिकुलर गर्ल जिसका नाम है रूही, और जिसको जो कैरेक्टर को प्ले कर रही है अपना सोनिया राठी, तो उससे मिलती है, और वो मिलने के बाद अल्टीमेटली उनके रिलेशन के अंदर में और एक जो इंसान जो है जो आते हैं जिसका नाम ये जहाँ पे यहाँ पे वो कैरेक्टर का नाम जो बताया गया वो ईशान, और जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इहान भट्ट। तो ये तीनों के बीच का जो लव ट्रायंगल है बेसिकली उसी को दिखाया गया है। लेकिन इस वीडियो में ज़्यादातर जिस चीज़ में बात करेंगे वो है कि पॉजिटिव साइड कितने हैं और नेगेटिव साइड कितने हैं। हाँ दोस्तों, पॉजिटिव साइड डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड जो है इसका जो मतलब कास्टिंग, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मतलब कास्टिंग किया गया है सिद्धार्थ शुक्ला का जो मतलब कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर एकदम सिद्धार्थ शुक्ला का जो मैनरिज्म है, उनका जो मतलब लुक्स है, उनका जो स्टाइल है बात करने का या फिर एक्टिंग करने का, उसके साथ एग्जैक्टली मैच करती है। तो ये कैरेक्टर एकदम टेलर मेड है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, और बहुत ही अच्छा कास्टिंग हुआ है सिद्धार्थ का इस पर्टिकुलर रोल के अंदर में। बहुत लोग इसको ऐसे भी मजाक उड़ा सकते हैं ये कबीर सिंह से इंस्पायर्ड है कैरेक्टर ये वो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना जो स्टाइल है, अपना जो एक्टिंग का स्टाइल है, जो हम लोग बिग बॉस के घर में भी उनका जो रवैया हम लोगों ने देखा है, उसी चीज को यहां पे उन्होंने मेंटेन किया और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इसको प्रदर्शन भी किया। दूसरा जो मैं आपको कहूंगा कि जो रूही कैरेक्टर जो प्ले कर रही है वो, उस कैरेक्टर में भी आपका सोनिया राठी काफी अच्छा काम किया है। एहान भट्ट हाल ही में उन्होंने 99 सॉन्ग्स जो फिल्म है उसमें भी उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग की थी, तो उनका भी जो चयन है वो भी एकदम सही है। तो पहला चीज जो मैं बोलूंगा कि इसका कास्टिंग बहुत ही बढ़िया हुआ है। दूसरा चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि इसका म्यूजिक, पूरा सीरीज के अंदर में आपको 4-5 गाने दिखेंगे और ये बेसिकली एक म्यूजिकल ड्रामा आप बोल सकते हो, तो इसमें म्यूजिक बहुत बार बार घूम घूम के आएगी और बहुत बार जो आपको म्यूजिक जो है वो काफी आपको अच्छा लगने वाली है। ये सीरीज भले लोगों को 5 साल बाद ये सीरीज जो है लोग भूल जाए, लेकिन इसका जो म्यूजिक है वो फॉरएवर रहेगी, जो आपके प्लेलिस्ट में बसती रहेगी। तो बहुत दिन बाद ऐसा एक म्यूजिकल वेब सीरीज जो है वो आई है, तो ये डेफिनेटली एक अप्रिसिएशन डिजर्व करती है। तीसरा जो मैं कहना चाहूंगा उसमें जो इसमें काफी अच्छी चीज जो मुझे देखने के लिए मिला है कि इसका जो डायलॉग्स है, ये डायलॉग्स इतने कॉन्टेम्पोररी है और इतने अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है कि आप ये वेब सीरीज देखते देखते आप कभी इसके साथ डिटैच नहीं होगे। 4 घंटा 40 मिनट का कंटेंट है और वो देखते देखते कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप इससे डिटैच हो रहे हो, क्योंकि इसका डायलॉग्स इतना इनग्रोजिंग, इतना एंगेजिंग है, आप इसके साथ मतलब रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आज के यंग जनरेशन, आज की यूथ शायद ऐसे ही बात करते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। और एक चीज़ जो मुझे मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें दो तीन चीज़ें जो है मुझे उतना अच्छा लगा नहीं है, जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूंगा कि दिल तो पागल है का जो मैंने कंसेप्ट बताया शायद वो पूरा तरीके से कॉपी नहीं हुआ है, लेकिन एक सीक्वेंस है जो एकदम आखिर में आता है, वो सीक्वेंस में एक प्ले दिखाया जाता है और उस प्ले के अंदर में ही पूरा जो कहानी का जो मतलब जिस्ट है उस जिस्ट को समझाया जाता है, जैसे कि सेम तरीके से दिल तो पागल है में हुआ था, तो सेम चीज यहां पर भी रिपीट की गई है। दूसरा जो है इसका जो टाइटल क्रेडिट है, जब भी मतलब आपका एक एक एपिसोड शुरू हो रहा है तो उसमें एक गाना बजता है और गाने का जो पिक्चर
एक्सेलरेशन है उसका जो मतलब स्टाइल है वो भी हम आपके है कौन का जो टाइटल ट्रैक है जब उसका भी आपका क्रेडिट दिखाया जाता है तो उसके साथ एकदम मिली जुली है। तो ये दो चीज जो मुझे लगा थोड़ा मुझे कटका कि इसको ओरिजिनल थोड़ा ओरिजिनलिटी इसमें लाना चाहिए था। दूसरा चीज जो मुझे एकदम पसंद नहीं होता है कि देखिए ऑल्ट बालाजी का कोई भी कंटेंट के अंदर में ज्यादातर कंटेंट के अंदर में जो एलजीबीटी का जो कम्युनिटी का जो मतलब एक इन्फ्लुएंस रहता है वो इसमें भी डाला गया है जो बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो कहीं पे भी कहानी के साथ वो संपर्क रखता नहीं है। अगर वो कैरेक्टर्स नहीं भी होते तो मतलब इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं था, लेकिन उसको जोर जबरदस्ती जो है उसको घुसाया गया जो मुझे एकदम कतई पसंद नहीं है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये 3 out of 5 है, मुझे तो काफी पसंद आया वेब सीरीज। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो तुरंत इसको देख लीजिए, ऐसा म्यूजिकल ऐसे लव स्टोरी वेब सीरीज में काफी कम ही आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही था मेरा ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 का रिव्यू। अगर पसंद आया कुछ भी इस रिव्यू के अंदर में तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपके साथ मेरे अगला कोई वीडियो में, उससे पहले मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अलविदा।